हमारे पड़ोसी देश भूटान में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, पर इसके बावजूद भी वहाँ पर जैम्स नहीं लगता। अब सवाल आता है कि भूटान ऐसा कर कैसे पाता है, तो चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भूटान के अंदर किसी भी प्रकार का तंबाकू या सिगरेट का यूज एक क्राइम माना जाता है। अगर आप दूसरे देश से सिगरेट लेकर वहाँ जा रहे हैं और पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकती है। 2008 में GDP की तरह ही भूटान एक नया कंसेप्ट लेकर आया, GNH यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। इसमें लोगों से पूछा जाता है कि वो कितने खुश है, मतलब खुश रहना भूटान के लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है। भूटान के पूर्वी देश में कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, पर ट्रैफिक पुलिस जरूर है जो कि बहुत ही एक्टिव तरीके से काम करती है और किसी भी प्रकार के जैम्स को नहीं लगने देती। बाकी जब लोगों ने नशा ही नहीं कर रखा और खुशहाली से डोल रहे हैं तो सड़कों पर वैसे भी जैम्स नहीं लगेगा।